अच्छा अदनान, ये अब हम जीसी में एंटर हो गए हैं, वहाँ एंट्रेंस से तो जो यूनिवर्सिटी का एरिया है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा। क्योंकि इसके पीछे वो एंटर ब्लॉक है। अच्छा। यहाँ से ये मेन बिल्डिंग है, वीसी ऑफिस दूसरे साइड पर है, हम वापसी पे दूसरे साइड से बता देंगे कि कौन सा है। इसको गोतक लेडी के नाम से जाना जाता है ये, और हाँ गोतक लेडी, गोतक लेडी के नाम से। तो ये कहाँ से? ये इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो मतलब उसी नाम से ये मतलब मंसूब किया गया है। तो इसको ये जो पूरा बिल्डिंग है, जो वॉल है इसका, वाइस चांसलर, ये अंदर हाल है। इस टाइम तो हाल हाँ खुला भी है। इसको प्रोफेसर प्रोफेसर अब्दुलसलाम हाल है, और यहाँ पर मैं जो मतलब इसका कोई भी सेरेमनी वगैरह हो, मैं कोई भी पार्टी हो तो यहाँ पर आ जाए। सामने अदनान आप देख रहे हैं, सामने इसको ऑल ग्राउंड कहते हैं। ऑल? हाँ नीचे नहीं, ओके ओके। आज इंटरव्यूज चल रही है ना, ये विजिटिंग लेक्चरर के लिए, इसी वजह से। अच्छा अच्छा। और संडे भी है। हाँ ये इसको ऑल ग्राउंड कहते हैं, और जो अभी नया कैंपस बन रहा है ना उसका भी सीन यही हो रहा है, मतलब वो एक ओल्ड ग्राउंड बना रहे ये लोग इसी के मतलब उस पर इसी तरह है ये। तो किधर न्यू कैंपस बन रहा है? किधर बन रहा है? काले शाकाकू में। अच्छा अच्छा। हाँ उस पर 40-50% काम हो गया है, तो अभी वो चल रहा है। अच्छा अदनान, इसके बैक साइड पे यहाँ से आप सामने देख रहे हैं ना, जहाँ पर आपका कैमरा है, इसके बैक साइड पर एक लान है, उसको लव गार्डन कहते हैं। गार्डन है, लव गार्डन। हाँ चलो गार्डन वो भी देख लेते हैं, ऊपर से ऊपर से देखते हैं। जैसे जी के कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा और मज़े का है। आते हैं लोग यहाँ पर, बैठते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो ये वाली जगह लव गार्डन के नहीं, ये जो नीचे जगह है ना उसको लव गार्डन कहते हैं असल में ये। अच्छा ये। हाँ हाँ बिल्कुल, वो देखो वो लव गार्डन है, ये सारा एरिया लव गार्डन में, वो वाला है, ये वाला है, और ये सब लव गार्डन में आता है। अच्छा सही। चलो इधर से भी एक व्यू दिखाते हैं आपको जी सी का। हाँ ये गोतक लेडी का, आप यहाँ से भी व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। और ये मॉस्क है, इसी मस्जिद है। इस साइड पे ये लेडीज़ का मतलब है, इस एंट्रेंस इस साइड से लेडीज़ का होता है, तो अलग एरिया है लेडीज़ का, और दूसरे साइड से मेल जो लोग है वो वहाँ से जाते हैं। इसके अंदर अंदर से जाते हैं। ठीक है। ये अदनान, ये वही प्रोफेसर अब्दुलसलाम हाल का जो गोतक लेडी के एंट्रेंस से हम एंटर हुए थे अभी, ये उसका दूसरा एंट्रेंस है। अच्छा। इस साइड से सही, सही। और यहाँ पर ये जो है, तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ईरान की तरफ से ये गिफ्ट किया गया था। इससे हाँ
लाइब्रेरी है और स्पेशली इसके अंदर एक पर्शियन डिपार्टमेंट है. पर्शियन? हाँ पर्शियन. ये ईरान की तरफ से मतलब गिफ्ट किया है. स्पॉन्सर वो करते हैं? स्पॉन्सर वो करते हैं. अदनान अगर आप कैमरा व्यूअर्स को उधर उस साइड पे कर देना तो ये आप सामने देख रहे हैं ये जो दरमियान में बिल्डिंग है ये चाइनीज जो स्टडी है उसके हवाले से चाइना की एक लाइब्रेरी है छोटी सी वो यहाँ पर है. ये आप देख रहे हैं सामने चाइनीज की. हाँ चाइनीज की. वो अक्सर वो नाम देते हैं सेंटर फॉर एक्सलेंस. वही ऐसा है बिल्कुल. यही नाम दिया है? वो वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है. आप इसकी इरेक्टेड डेट वो दिखा सकते हैं व्यूअर्स को. 1858 की है ये वाली. हाँ 1858 में बनी है ये बिल्डिंग. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसके लेफ्ट साइड पे. ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पर मोस्टली टेबल टेनिस वगैरह ये चीज़ें होती अंदर है. अंदर है इसके अंदर. अच्छा। आज छुट्टी है तो बंद है इसी वजह से. जिम भी है इसके अंदर. टेनिस भी है. ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस चाइना से जो है. देखो ये इसका जो हेड है इस टाइम वो प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट साहब है जो कि डीन है सोशल साइंसेस का और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस का. हाँ ये सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं अदनान. इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. अच्छा अलग अलग. ठीक है. इसमें इस साइड पर जो दरमियान में पोर्शन है वो है पॉलिटिकल साइंस का. अच्छा तो इस साइड पे उसके ऊपर है वो वाला डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स का. अच्छा हाँ ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट है इसका कंप्यूटर साइंस का. सही है. हाँ ये PGB इसको कैफे कहते हैं. पोस्ट हाँ पोस्ट ग्रेजुएट जो कैफे है. अच्छा वो ये है. अच्छा बस यहाँ से है और उस साइड पे करो वापस यूनिवर्सिटी का जो दूसरा गेट है छोटा. अच्छा वो वहाँ से भी गेट है. हाँ वहाँ से भी है. अच्छा ठीक. इस बिल्डिंग में है. इसमें कितने डिपार्टमेंट है सारे? इसमें है हमारे पास कंप्यूटर साइंस का, कॉमर्स एंड फाइनेंस का है. अच्छा इसमें है मैथमेटिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का और एक दो डिपार्टमेंट्स और भी है. और इसका जो बेसमेंट है इस टाइम तो ये बंद है क्योंकि आज संडे है छुट्टी है. इसके बेसमेंट में लाइब्रेरी है. अच्छा बड़ी लाइब्रेरी है. बहुत बड़ी लाइब्रेरी है. मेन लाइब्रेरी तो नहीं है लेकिन पॉलिटिकल साइंस की तरफ से है. अच्छा, वो लाइब्रेरी स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर बैठते हैं अपनी स्टडी करते हैं. अच्छा, तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है स्टडी के लिए. ठीक है ठीक. और ये मस्जिद है? नहीं ये मस्जिद नहीं है. इसको कहते हैं वाटर कूलर हाल नगर बुखारी ऑडिटोरियम. अच्छा ये बुखारी है. हाँ इवेंट्स वगैरह आप यहाँ से हाँ आगे जाएंगे आपको पता लगेगा. अच्छा ये काफ़ी बड़ा है. हाँ काफ़ी बड़ा है. और यहाँ से ये बुखारी ऑडिटोरियम है अदनान. और जो उसका दूसरा साइड है ना उस साइड पे सामने वो एग्जामिनेशन ब्रांच है. एग्जाम्स वगैरह वहाँ पर कंडक्ट करते हैं. यहाँ से आ जाए अपना. अच्छा ठीक है. ये तो मेन हॉल है ना? हाँ वही मेन हॉल जो पर्शियन डिपार्टमेंट था मैंने आपको जो दिखा दिया वहाँ से. ये फूल वगैरह बहुत प्यारे हैं. हाँ बहुत मज़े के क्योंकि काफ़ी मेहनत की जाती है. जी सी की जो ना सोसाइटीज़ के हवाले से बताया. यहाँ सोसाइटीज़ बड़ी जी सी में सोसाइटीज़ अदनान बहुत ज़्यादा हैं और उनका रोल आपके सोशलाइजेशन में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने में ये काफ़ी रोल प्ले करता है. और हर एक डिपार्टमेंट की इवन सोसाइटी है. और पॉलिटिकल साइंस की जो सोसाइटी है एक उसके नाम से क्या नाम है उसको ये अदनान यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं. वो फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर मेन लाइब्रेरी है जीसी की. अच्छा इसके फर्स्ट फ्लोर पे. अच्छा ठीक. हाँ ये बिल्डिंग है. हाँ ये बिल्डिंग है. इसके फर्स्ट फ्लोर पे मेन लाइब्रेरी है और ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है. आप देख सकते हैं ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है.
या ऑफिसेज है और नीचे मतलब क्लासेस वगैरह नीचे होती है अंडरग्राउंड? नहीं नहीं नहीं, ये इसी फ्लोर पे है। अच्छा ठीक है, अच्छा इंग्लिश डिपार्टमेंट है। आप यहाँ से आ जाए, अब व्यूअर्स को बता दें सबसे मतलब है एक फेमस जगह ये है उस तक है, ये इकबाल हॉस्टल है। अच्छा ये हॉस्टल है? हाँ ये इकबाल हॉस्टल है, लेकिन आप इधर आ जाए ना तो ये जो रूम है इसमें हमारे पोइट जो पोइट ऑफ द ईस्ट पे। अच्छा ये वाला? वाह, डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल, इसको करीब से देखते हैं। ये रूम उन्हीं का है, ये वाला? हाँ ये वाला, इनके अंदर जाने नहीं देते, इनके अंदर बाज़ टाइम रखते हैं उन स्टूडेंट्स को, बल्कि एक ही स्टूडेंट होता है जो कि टॉपर होता है। अच्छा इसी रूम में होता है? इसी रूम में, माशाल्लाह। देखो ये इकबाल, ये बाहर के साइड से हम देख रहे हैं क्योंकि अंदर वो बंद है। ये उनका रूम है जब वो जीसी में पढ़ा करते थे, 1984 की बात है, 1890 की बात है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, 1890 की बात है। तो ये पूरा एक हॉस्टल है, ये किसको अलॉट होता है? ये FSC के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना इंटर के। अच्छा ये उनको अलॉट होता है। सही सही, हाँ ठीक है। और ये ग्राउंड है? ये इसको बास्केटबॉल का ग्राउंड कहते हैं, यहाँ पर बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स हैं वो लोग यहाँ पर गेम वगैरह करते हैं। इधर से आए अदनान, आपने व्यूअर्स को एक जगह नहीं दिखाई जो कि सबसे फेमस है जीसी में, जहाँ पर अक्सर आपने देखी होगी तस्वीरें वगैरह बनाते हैं ना, एनुअल जो फोटोग्राफी होती है। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ से आ जाए। सही, यहाँ से आप आ सकते हैं जहाँ पे जब वो डिग्री वगैरह देते हैं उसके लिए जो फोटोशूट होता है। हाँ, वो इधर होता है? वो इधर ही होता है, एम्फी थिएटर। इसको एम्फी थिएटर कहते हैं। एम्फी थिएटर। हाँ इसको एम्फी थिएटर कहते हैं। ये जब आप वो बना देते हैं ना फोटोग्राफी करते हैं तो व्यू इसकी बहुत मज़े की बनती है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं उस साइड पे जहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पर VC ऑफिस भी है। अच्छा ठीक, हाँ एक बार फिर हम आपको दिखाते चले। ये है एम्फी थिएटर, हाँ इसके पीछे ये सारा बिल्डिंग है, वो जो ओल्ड बिल्डिंग है इसमें लाइब्रेरी भी है मैन, इंग्लिश डिपार्टमेंट भी है, पर्शियन डिपार्टमेंट भी है, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम हॉल भी है। अच्छा। इसमें VC ऑफिस भी है। सही है, हाँ इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आ जाओ फिर उधर चले। ठीक, गुड है गुड है। वो सम से वो मेन कैफे रह गया, बाकी तो सब जगह घूम लिए ना। हाँ बिल्कुल ऐसा है, खैर जगह तो बहुत सारी है अदनान इसमें। हाँ। लेकिन आज संडे है तो बंद, व्यूअर्स को माजरत के साथ उनको हम सही तरह से ना दिखा पा रहे। हाँ अच्छा, जीसी की सबसे मेन क्वालिटी क्या है? यार मेन क्वालिटी के ये इसने ऐसे शख्सियत पैदा किए हैं, इस सोसाइटी को दिए हैं कि जिनके बहुत ही बड़े बड़े कारनामे हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल है इस सोसाइटी को डेवलप करने में, इस कंट्री के डेवलपमेंट में। अच्छा। हाँ और सोशलाइजेशन में आपका जो जीसी का जो रोल है बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ लोगों को सोशलाइज करते हैं पॉलिटिकली, एजुकेशनली, हर लिहाज से। अच्छा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का तकरीबन हाफ हिस्सा वो जीसी ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है? सही, बिल्कुल सच कहा है आपने, क्योंकि ये अदनान, अच्छा ये पहले दिखा दें इसको, इसको इंटर करते चले दूसरे साइड से आते सामने इंटर। हाँ इसको इंटर कहते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है। ये जो कॉलेज लेवल पे है? ये जो कॉलेज लेवल के हैं, बिल्कुल FSC के लेवल पे। और ये अदनान इधर आप व्यूअर्स को दिखा सकते हैं, स्टूडेंट जो फाइनेंशियल एड ऑफिस है वो अंडरग्राउंड है इसमें, ये इस टाइम बंद है,
तो ठीक हाँ, और इसको फैज सेमिनार कहते हैं। फैज, हाँ फैज सेमिनार, सेमिनार हाल जो है। ओके, यहाँ पर ये फोटो कापी शॉप है जी। यहाँ पर एक स्टोर भी है स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, स्टेशनरीज वगैरह इसमें अवेलेबल है, हर टाइम अवेलेबल होते हैं। ये सामने आप व्यूअर्स को दिखा सकते हैं, ये वाला गेट, ये उर्दू बाज़ार के साइड पे निकलता है ये गेट। अच्छा, हाँ सही। और बाइक का पार्किंग भी है स्टूडेंट्स के लिए अंदर। सही। और ये इसमें, इस बिल्डिंग में केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, इसमें दूसरे जो बड़े डिपार्टमेंट है वो भी इसी में है, और बहुत मतलब लेबॉर्टरीज वगैरह। पार्किंग है गाड़ियों की? हाँ ये पार्किंग है गाड़ियों की, लेकिन उनको मतलब जिनको स्टिकर वगैरह मिला होता है, और ज़्यादातर फैकल्टी को मतलब ये हाँ अलाउ होते हैं। अच्छा, यहाँ तकरीबन ख़त्म होती है? हाँ बिल्कुल, वो सामने बस हम आउट होते हैं डीसी से। और ये इसका जो ये बिल्डिंग है इस साइड पे, इसको कहते हैं एडमिशन ऑफिस कहते हैं, मतलब जो एडमिशन इंफॉर्मेशन ऑफिस होता है वो यही है। अच्छा, ये बिल्कुल आप इसके सर्कल पे घूम सकते हैं, मतलब दरमियान में है, सही है, चारों साइड पे है ये। अच्छा, तैमूर जेब, थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल टूर। यू ऑलवेज वेलकम अदनान खान। तैमूर इज द रावियन। थैंक यू। और बड़ा खुशकिस्मत है कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे इसने टेस्ट वगैरह क्लियर का, इंटरव्यू भी ये आप लोगों के दुआओं की निस्बत बनिस्बत हुआ। ग्रेजुएट ब्लॉक में पढ़ते एमफिल पॉलिटिकल साइंस के। जी बिल्कुल। वंस अगेन थैंक यू तैमूर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अदनान व्यूअर्स को जीसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। और जीसी तो बहुत बड़ी है, अब भी मुझे खुद भी इसका मतलब अब चीज़ों का अभी पता चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है जीसी में। और एमफिल के लेवल पे पता है आपको कि मतलब स्टडी वगैरह वो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो टाइम कम मिलता था कोर्स वर्क के टाइम पे, कि मतलब घूमे फिरे, टाइम ज़्यादातर स्टडी में जो है ना गुजरता था। हाँ, और बस इसी वजह से। अच्छा, व्यूअर्स को क्या कहेंगे, जीसी में आए या ना आए? व्यूअर्स को मैं डेफिनेटली, ये कौन कह सकते हैं कि आप ना आए, तो मैं आपको वेलकम करूँगा। ये एक ऐसी जगह है जो आपके ग्रूमिंग में, आपके हर लिहाज से, इवन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बनाने में आपको बहुत कुछ सिखा देता है जीसी। अच्छा, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आज की वीडियो थी जीसी के वाले से, आपको कैसी लगी, कौन कौन सी जगह आपने पहले देखी है, कौन सी नहीं देखी, क्या नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली, वो सब आप हमें बता सकते। अगर इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते। फिलहाल के लिए शुक्रिया। यानी या तो जीसी को दिखाते हैं यहाँ से एक बार फिर। हाँ, मेरे ख्याल में यहाँ से एक बार जो है ना आप दिखा दे, क्योंकि एंट्रेंस जहाँ से होती है ना, तो उनको पता लगे कि कहाँ से एंट्रेंस होती है और किधर जाता है ये। अच्छा सही। हाँ, आप देख रहे हैं अपने व्यूअर्स को दिखा दें, ये एंट्रेंस गेट है, लेकिन इसके साथ एक गेट और है जो कि पेडेस्ट्रियन के लिए बना है। हाँ, तो वहाँ से एंट्रेंस होती है। अच्छा, और यहाँ ये मैं ओवल ग्राउंड का मतलब एंट्रेंस भी यही से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से जीसी स्टार्ट होती है। सही। तो ये आखिरी सीन है जीसी का, ये देख ले, उसके बाद हम आपसे जरूर चाहेंगे। अपना